Hello students of 8th class. Today I am going to read the page number 7 for you, as I have already explained the whole story and theme and character. And now Mr. Philip Slitherby, he is traveling by the train, and the Bertie is also joining him. Among the passengers dotted about on the platform waiting their respective trains. तो पैसेंजर्स जो हैं दे आर वेटिंग, वो डॉटेड या उस तरफ देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, एक नुक्ता निगाह पर वेटिंग फॉर द ट्रेन की का इंतजार कर रहे हैं. स्लेदरबाय स्पॉटेड अ क्लब एक्वेंटेंस. तो अचानक से मिस्टर स्लेदरबाय जो हैं उनको, जो उनके जो क्लब के जो दोस्त हैं वो मिलते हैं. एंड बैक ऑन हिम अप टू द कैरिज विंडो फॉर अ चैट. और वहाँ पर वो बैठ कर जो विंडो के पास बैठ कर उनके साथ चैटिंग करने लगते हैं या बातचीत करते हैं. ओ यू आर स्टेइंग विद मिसेस सॉल्पेन जैगो फॉर द वीकेंड आर यू. तो उसने पूछा कि क्या तुम मिसेस सॉल्पेन जैगो के साथ इस वीकेंड पे उनको ज्वाइन कर रही हो. आई एक्सपेक्ट यू विल हैव अ गुड टाइम एंड शी हैज़ द रेपुटेशन ऑफ बींग एन एक्सीलेंट होस्टेस. तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारा अच्छा टाइम गुजरेगा और उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है या कदरों कीमत है. She will be the useful to you too if that parliamentary project hulo you are off. Goodbye. So उसने कहा कि ये parliamentary जो project है, जो re-election है, उसमें तुम ज़रूर select होगे और इस project में तुम्हें nominate किया जाएगा. You are off. अब तुम जाओ. Goodbye. Slitherby waved the goodbye to his friend. Pulled up the window, उसने window को नीचे किया, उसको goodbye कहा, and turned his attention to the magazine laying on his lap, जो रसाला पढ़ने लग गया जिसके गोद में था. He had scarcely glanced at a couple of pages. तो वो बहुत ध्यान से फौरन ही उन पे सफर पर तवज्जो देने लगा. However, when a smothered curse caused him in a glance hastily at only other occupant of the carriage, his young man about his traveling companion was a young man about 22 with dark hair, fresh complexion. तो एक fair सा लड़का, dark hair वाला, जो कि 22 years का था, उसका साथ बैठा. And blunt of the smartness and disarray that is the typical of rambler. तो वो एक smartness, good looking भी था, और disarrangement जो कि young लोगों की personality में होती है, और साथ में थोड़ी सी आवारागर्दी की जैसे looks हैं वो आ रही थी. He was searching furiously and ineffectually for some elusive or नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट. तो वो अपने कुछ तलाश कर रहा था बहुत ही इनमाक से, बहुत ही तवज्जो से, तो ऐसी चीज़ जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. फॉर द टाइम टू टाइम ही डग अ सिक्स पेनी कॉइन आउट ऑफ द वेस्ट कोट पॉकेट एंड स्टेयर्ड एट इट रूफुली, देन रिकमेंडेड द फ्यूटाइल सर्चिंग the operations. तो वो बार बार अपने 6 सिक्कों को निकाल रहा था, उनको देख रहा था, और फिर उसमें से कुछ तलाश कर रहा था जो कि बिल्कुल ही यूजलेस था. अ सिगरेट केस, मैच बॉक्स, की, सिल्वर पेंसिल केस एंड द रेलवे टिकट वर टर्न पुट ऑन द सीट बिसाइड हिम. तो उसने अपने साथ जो सिगरेट केस, मैच बॉक्स, की वगैरह जो थी उसने पास रखी. बट नन ऑफ दिस आर्टिकल सीम्स टू अफोर्ड हिम द सेटिस्फैक्शन. लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं थी कि इसमें कुछ और ढूंढ रहा था. ही कर्स्ड अगेन रादर लाउडर देन बिफोर. उसने अपने आप को लान तान किया या अपने आप को बहुत ही बुरा भला कहा. द विगोरस pantomime did not draw the force any remark from the Slitherby, who resumed his secure
स्क्रूनिटी ऑफ द मैगजीन. द जो विगरस पेंटोमिम था, जो हेल्दी किस्म का एंटरटेन, डिड नॉट ड्रॉ द फोर्थ फॉर रिमार्क्स. जो उसमें स्लिदरबाज जो था उसको को बहुत अच्छा एंटरटेन नहीं कर सका या अच्छी तरह लुक्स नहीं दे सका. हु रिज्यूम हिज सिक्योरिटी ऑफ द स्क्रूनिटी ऑफ द मैगजीन, जो कि उसमें खोया हुआ था मैगजीन में. I say, exclaimed a young voice presently, didn't I hear you say you were going down to stay with Mrs. Salpingergo at Brill Manor? क्या अगर मैं नहीं सुन रहा तो तुम वहीं जा रहे हो सॉल्पेंजैगो के पास, मिसेस सॉल्पेंजैगो के पास ब्रिल मैनर में. व्हाट अ कोइंसिडेंस, माय मदर, यू नो, तुम मेरी मदर को जानते हो. आई एम कमिंग देयर ऑन अ मंडे इवनिंग, मैं यहाँ आया हूँ मंडे इवनिंग को. सो वी शैल मीट, आई एम क्वाइट स्ट्रेंजर, हैवंट सीन मदर फॉर द 6 months एटलीस्ट. मैं एक अजनबी की तरह ही हूँ क्योंकि मैंने 6 माह से अपनी माँ को नहीं देखा. आई वॉज away yachting last time she was in town. तो मैं कश्तीगिरी जो है वो कर रहा था टाउन में. I am Bertie, मेरा नाम बर्टी है, the second son, you know. I say it's an awful lucky coincidence that I should run across someone who knows my mother just at this particular moment. तो मैं, ये बहुत अच्छा coincidence है, यह वाक़ है कि कोई ऐसा इंसान मेरी मदर को जानता है जब मुझे इस मोमेंट में उसकी ज़रूरत है. I have done an awful awkward thing. तो मुझसे एक बहुत ही हैरत अंगेज या अजीबो गरीब बात हो गई है. यू हैव लॉस्ट समथिंग, हैवंट यू, सेड स्लेदरबाय. उसने कहा कि क्या तुमने, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? ऐसा ही है, नॉट एग्जैक्टली बट लेफ्ट बिहाइंड, ऐसा नहीं है लेकिन शायद खो चुका हूँ. एंड विच इज मोस्ट एज बैड, जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये एक कोइंसिडेंस है. एनी वे आई हैव कम अवे विदाउट माई कॉइन पर्स, जो मेरा पैसों का पर्स था वो घर रह गया. विद 4 quid इन इट, इसमें 4 quid थे या मनी थे. माई वर्ल्डली वेल्थ फॉर द मोमेंट, इट वॉज इन माई पॉकेट ऑल राइट. एंड जस्ट बिफोर आई वॉज स्टार्टिंग एंड देन आई वॉन्टेड टू सील अ लेटर एंड द कॉइन पर्स हैपन टू हैव माई क्रेस्ट ऑन इट. तो जैसे ही मैंने जो है अपने कोट को चेंज किया तो इसमें मेरा क्रेस्ट और फिर मेरा वो पर्स था जिसमें कि मेरे कॉइन्स थे. एंड आई लेफ्ट इट, आई वाइप्ड इट आउट ऑफ द स्टैम्प अ सील विद. तो मैं मेरे जो उसके ऊपर स्टैम्प थी वो भी वाइप हो चुकी है. एंड लाइक एन इडियट, इसी तरह एक बेवकूफ की तरह, आई मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द टेबल, मैं टेबल पे भूल आया हूँ. आई शैल हैव पुट इट बैक, आई हैड सम चेंज लूज इन माई पॉकेट. तो सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज ही मेरे ये जो कहते हैं छुट्टा या पैसे जो हैं वो मेरे पास हैं. बट आफ्टर आई हैड पेड फॉर द टैक्सी एंड माई टिकट, आई ओनली गॉट द लिटल 6 pence लेफ्ट, सिर्फ 6 पैनी जो है वो मेरे पास है. आई एम स्टॉपिंग एट द लिटिल कंट्री इन नियर ब्रॉनक्वे फॉर द 3 days. तो मुझे वहाँ पर 3 days रुकना है. फिशिंग, नॉट अ सोल नोज मी देयर, नो वन नोज मी देयर, एंड माई वीकेंड बिल एंड टिप्स एंड कैब टू एंड फ्रॉम द स्टेशन एंड माई टिकट ऑन टू द ब्रिल. तो वो मेरी टिकट जो कि ब्रिल तक की है, दैट विल That will mount up to the 2 or 3 quid. तो इसमें मुझे 3 से 4, 2-3 quid जो हैं वो लगेंगे. Wouldn't it if you wouldn't mind lending me 2 pound 10? अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे 2 pound जो हैं वो उधार दे दें. थैंक यू.